नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लैब। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 31st पार्टी के दौरान एक युवक ने शराब के नशे में दोस्त पर किया जानलेवा हमला। रेल यात्री का मोबाइल चोरी, फिर एक एसटी कर्मी काम पर लौटा। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। 31st पार्टी के दौरान एक युवक ने शराब के नशे में अपने ही दोस्त पर शराब की बोतल से जानलेवा हमला कर मारने का प्रयास किया। सबसे शांत इलाके में से सहकार नगर में हुई इस घटना से सोनेगांव पुलिस भी परेशान हो गई है। जख्मी रेनू का अपार्टमेंट सहकार नगर निवासी गौरव नितिन जोशी बताया गया है। पुलिस ने आरोपी युवक गांधीनगर निवासी सिद्धेश नितिन सातुकर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। गौरव ने अपने अपार्टमेंट की छत पर 31st की पार्टी आयोजित की थी। सिद्धेश सहित अन्य चार मित्र भी पार्टी में हिस्सा लेने पहुंचे। रात 11 बजे शुरू हुए जश्न में जमकर शराब पी गई। इसी दौरान सिद्धेश ने अपनी गर्लफ्रेंड को भी बुला दिया। सभी दोस्त आपस में मौज मस्ती कर रहे थे। रात 2 बजे के दौरान सिद्धेश अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कमरे में बैठा था। साथियों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। बार बार कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। इस वजह से सिद्धेश बौखला गया। गौरव जैसे ही दरवाजे पर दस्तक देने गया, सिद्धेश ने गेट खोल दिया। सामने गौरव को देख वह आग बबूला हो गया। उसने शराब की बोतल से गौरव के सिर, हाथ, छाती और पेट पर वार कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। दोस्तों ने उसे रोक लिया, वरना वह गौरव को खत्म कर देता। गौरव को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। खबर मिलते ही सोनेगांव के थानेदार दिलीप सागर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर गौरव को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय ने उसे 2 दिनों तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अगली खबर, इन दिनों ट्रेनों में चोरी की धमाचौकड़ी शुरू है। नए मामले में किसी अज्ञात आरोपी द्वारा विदर्भ एक्सप्रेस में सफर कर रहे यात्री का करीब 60,000 रूपए कीमत का मोबाइल चोरी कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गार्डलाइन निवासी रविन्द्र राम भाव उमाड़े ट्रेन 12105 मुंबई गोंदिया विदर्भ एक्सप्रेस से नागपुर तक का सफर कर रहा था। वह D1 कोच के सीट नंबर पर बैठा था। वह गहरी नींद में था। ट्रेन सेवाग्राम स्टेशन पहुंचने पर उसकी नींद खुली। उसे अपना मोबाइल नहीं दिखा। काफी खोजबीन के बाद भी जब मोबाइल नहीं मिला तो उसे चोरी की बात समझ आई। ट्रेन नागपुर आने पर रविंद्र ने लोह मार्ग पुलिस में शिकायत की। GRP ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अगली खबर, एसटी महामंडल की सख्त कार्रवाई असर करने लगी है। नए साल की शुरुआत के साथ ही एक कर्मचारी बिना किसी शर्त के नौकरी पर लौटाया। अधिकारियों ने भी इस दौरान कर्मचारियों का हौसला बढ़ाते हुए तुरंत ज्वाइनिंग करा दी। बीते 10 दिनों में काम पर लौटने वाले कर्मचारियों की संख्या अब 43 पर पहुँच गयी है। महामंडल को आशा है की सभी कर्मचारी काम पर लौटेंगे, जिससे उसे बर्खास्तगी की कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी। बता दें कि महामंडल लगातार अपने एसटी कर्मियों को काम पर लौटने के लिए कह रहा है, लेकिन कर्मचारी संगठन उसकी इस कोशिश में बाधा बने हुए है। दोनों के बीच चल रहे इस शीत युद्ध को 1.5 महीने से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। 2 कर्मचारी एसटी मंडल की कार्रवाई से बचने के लिए कोर्ट की शरण भी ले चुके हैं, लेकिन कर्मचारियों को अभी तक कोई बड़ा सपोर्ट नहीं मिल पाया है। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।